नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रमिक मंत्र न्यूज पर आज की अहम खबर और आपके साथ हूं मैं आलोक शर्मा। लाला रामदेव के 14 प्रोडक्ट्स पर बैन। लाला रामदेव के प्रोडक्ट अब बाजार में नहीं दिखेंगे, ये प्रतिबंधित प्रोडक्ट्स। जी हां, ये वही बाबा रामदेव हैं जिन्होंने देश भर में रोजाना इस्तेमाल होने वाले कोल्ड ड्रिंक से लेकर सैकड़ों विदेशी प्रोडक्ट्स ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान लीवर के अनेकों महंगे प्रोडक्ट्स की जगह पतंजलि द्वारा निर्मित प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। उन दिनों रामदेव ने यह दावा किया था कि पतंजलि का हर प्रोडक्ट्स क्वालिटी के साथ साथ किफायती भी होगा, लेकिन बाबा रामदेव का यह दावा धरातल पर झूठा और खोखला साबित हुआ है। कारण, बाजार में मौजूद किसी भी अन्य प्रोडक्ट्स के मुकाबले न तो पतंजलि का प्रोडक्ट्स किफायती है और न ही गुणवत्ता से भरपूर। लेकिन सस्ते और किफायती प्रोडक्ट्स का झूठा प्रचार प्रसार करके बाबा रामदेव से लाला रामदेव जरूर बन गए और लाला रामदेव ने पिछले 10 से 15 सालों में करोड़ों से अधिक रुपयों का साम्राज्य खड़ा कर लिया। आपको बता दें कि पिछले कोरोना काल में भी लाला रामदेव ने कोरोनिल नाम की दवाई का निर्माण किया था जिसे मानक के अनुसार फिट नहीं पाया गया तो उस पर भी हाईकोर्ट ने पाबंदी लगा दी थी। इतना ही नहीं, पिछले दिनों लाला रामदेव और उनके सहयोगी बालकृष्ण को सुप्रीम कोर्ट ने एक नहीं बल्कि 3-3 बार जमकर फटकार लगाई और लाला रामदेव और बालकृष्ण माननीय कोर्ट में नतमस्तक करते हुए नजर आए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने लाला रामदेव की एक नहीं चली। लाला ने कोर्ट के आदेश पर हाथ जोड़कर देश से माफी भी मांगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चालबाज लाला की एक नहीं सुनी और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि पतंजलि के कुछ प्रोडक्ट्स जो बनाए हैं उनके बारे में भ्रामक प्रचार किया गया है। उस प्रचार को तुरंत रोकने के साथ ही लाला रामदेव की पतंजलि द्वारा निर्मित 14 प्रोडक्ट्स को हमेशा हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया। लाला रामदेव के 14 प्रोडक्ट्स बाजार में अब नहीं दिखेंगे। जी हाँ, पतंजलि के प्रोडक्ट्स खरीदने से पहले प्रतिबंधित प्रोडक्ट्स पर जरूर नजर डालनी चाहिए। लाला रामदेव के उत्पाद के बारे में आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ, अंत में एक बात, यह खबर आपको कैसी लगी आप अपने विचार हमें साझा जरूर करें। आप हमेशा देखते रहिए श्रमिक मंत्र न्यूज और चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलें।